हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल में जिसका नाम है डेली यूज ड्यू प्रोडक्ट। दोस्तों जो आज की वीडियो है, आज हम आपको टॉप 5 लैपटॉप बताएंगे आसूस के, जो आप टॉप 5 लैपटॉप खरीद सकते हैं, जिसमें हमने कोर i3, कोर i5, राइजन 5 और राइजन 7 को कवर किया है। तो दोस्तों इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको थोड़ी भी हमारी वीडियो आपको सपोर्ट करती है या आपका फ़ायदा होता है, कुछ भी आपकी नॉलेज बढ़ती है या कहीं ना कहीं आप लैपटॉप खरीद रहे हैं उसमें हमारी जो वीडियो सहायक होती है, तो कृपया करके दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आप फिर बाद में कमेंट करते हो कि इसकी बैटरी बैकअप कितना है, इसमें कितनी SSD है। तो थोड़ा सा टाइम देगा, थोड़ा सा टाइम, हमें सबको पता है कि सबके पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देकर आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, जिससे आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपको पता लग जाएगा कौन सा लैपटॉप आपको खरीदना है। तो दोस्तों जो नंबर 5 पे हमारा लैपटॉप है, वो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आसूस वीवोबुक 15 2021, कोर i3। ये आपको इंटेल का कोर, जो इंटेल का प्रोसेसर होता है, कोर i3 के साथ मिल जाएगा, 11 जनरेशन है इसमें। और रैम की बात करें तो 8 GB 1 TB HDD के साथ मिल जाएगा, यानी कि इसमें SSD का सपोर्ट नहीं मिलेगा, 8 GB 1 TB, 8 GB और 1 TB HDD के साथ मिलेगा। विंडो 11 के साथ सपोर्ट है, विंडो 11 अपने इंस्टॉलर के अंदर। बाकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ, साइज़ इसका बिल्कुल वही है जो मैंने आपको कई बार, मैंने लैपटॉप आसूस वीवोबुक 14 की मैंने आपको पूरा अनबॉक्सिंग दिखाई है, वही इसका साइज़ है, सेम है, देखने वही कलर है इसका, ग्रे कलर। अगर और इसकी बात करें तो ये HD में है, आपको पूरे HD में नहीं मिलकर HD डिस्प्ले, इसकी HD डिस्प्ले होगी, 83% स्क्रीन टू बॉडी रेस होगा, यानी कि जो आप देख रहे हैं, जहाँ भी इसकी, जहाँ आपकी स्क्रीन है और जहाँ भी ब्लैक ब्लैक है, तो उसका जो रेस होगा वो 83% होगा। एंटी क्लियर ग्लास के साथ ये आपको मिल जाएगा। और इसकी स्पेसिंग की और मैं बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाएगा, 11th जनरेशन का कोर i3 इंटेल का प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर आसूस के सारे लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको 1 USB 3.2 जैक मिल जाएगा, 1 HDMI पोर्ट मिल जाएगा, 1 USB 3.2 जनरेशन मिल जाएगा, और 2 USB Type-X के मिल जाएंगे, और आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा अगर आपको साउंड सुनना हो तो। तो दोस्तों ये हमारा नंबर 5 का लैपटॉप था। अब सबसे बड़ी बात है इसकी कॉस्टिंग, कितने प्राइस इसका, इसका जो प्राइस है 28,990 है, लेकिन अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो 26,740 में आपको पड़ जाएगा, यानी कि आपको 2,250 रुपये का डिस्काउंट फ्लिपकार्ट की साइट पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर 5 का लैपटॉप, अब हम चलते हैं नंबर 4 के लैपटॉप में। तो दोस्तों नंबर 4 पे जो हमने लैपटॉप रखा है वो है आसूस वीवोबुक 15 2022, ये हमारा आसूस वीवोबुक 15 2022 है, जो कि आप देख रहे हैं 10th जनरेशन है ये। अभी जो मैंने इससे पहले दिखाया था वो आसूस वीवोबुक 14 2021 था, लेकिन ये आसूस वीवोबुक 15 है और 2022 है। इसमें भी आपको कोर i3 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, यानी कोर i3 आपको इंटेल का i3 कोर मिल जाता है इसमें। और रैम की बात करूँ तो 8 GB और 512 GB SSD। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको SSD का सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए हमने नंबर 4 पे रखा हुआ है, जबकि इससे पहले जो हमने लैपटॉप की बात की थी वो आपको 1 TB HDD, जो HDD हमारा इतना अच्छा नहीं होता, SSD में हमारी अच्छी स्पीड आती है और साइज़ भी कम रहता है। तो ये आपको 8 GB 512 GB और 512 GB SSD और विंडो 11 से परिस्टोर आपको मिल जाएगी। अगर इसके और इस स्पेसिफिकेशन की बात करूँ मैं, बाकी इसमें स्पेसिफिकेशन सारे के सारे सेम है, 15.6 इंच स्क्रीन टू साइज बॉडी रेस है, 83% स्क्रीन टू बॉडी रेस है, फुल HD। जो इससे पहले मैंने जो लैपटॉप दिखाया था वो आपको HD में मिलता था, लेकिन ये फुल HD में। अगर आपको 28,990 में, यानी कि चाहे अगर आपको 26,740 के करीब में लैपटॉप खरीदना है, तो आप 5 वाले को ना खरीद कर 4 वाले को खरीदें, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहली बात तो आपको 512 GB SSD का सपोर्ट मिल रहा है, उसमें 1 TB मिल रहा है, लेकिन HDD अच्छा नहीं होता, SSD में अच्छी स्पीड आ रही है, तो 512 GB SSD मिल रहा है, नंबर 1 पॉइंट इसका ये। नंबर 2 पॉइंट आपको फुल HD डिस्प्ले इसमें मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फुल HD डिस्प्ले आपको मिल रही है, जबकि जो इससे पहले मैंने लैपटॉप की बात की थी उसमें आपको HD डिस्प्ले मिल रही थी, उसमें फुल HD डिस्प्ले। अगर आपको आपका बजट है 28,000 27,000 के करीब में, तो आपको ये वाला लैपटॉप खरीदना है, और वीवोबुक 15 2022 कोर i3 इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है इसके अंदर। बाकी वेट की बात करते हैं, 1.8 kg है, 1.99 cm होगी, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको सभी लैपटॉप मिल जाएगा। बाकी जो स्पेसिफिकेशन जो मैंने बताए थे, USB पोर्ट और 3.5 mm जैक, सब कुछ वही है जो पहले वाले में था। दोस्तों हम टाइम वेस्ट ना करते अपने चलते हैं नंबर 3 के लैपटॉप पे।
दोस्तों जो नंबर 3 का लैपटॉप आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है ASUS VIVOBOOK 15 2022 कोर i5। तो जो दोस्तों इससे पहले जो मैंने लैपटॉप की बात की थी वो कोर i3 यानी इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर उसके अंदर था, लेकिन ये जो लैपटॉप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें कोर i5 और 10 जनरेशन है। इसमें भी आपको 8 GB 512 GB SSD और विंडो 11 का सपोर्ट जो कि प्री इंस्टॉल इसमें आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये भी आपका पूरा HD डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। 15.6 इंच का ये मोबाइल लैपटॉप आपको मिल जाएगा। 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो मैंने पहले बताया था, एंटी क्लियर ग्लास के साथ, और इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर जो आप देख रहे हैं वो इसमें है। और ग्राफिक्स की बात करें UHD का ग्राफिक्स इसके अंदर है। और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर आपको सभी लैपटॉप में मिल जाएगा। और जो भी दोस्तों आज के लिए जो लैपटॉप आते हैं उसमें नो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी कि आप CD उसमें यूज नहीं कर सकते। अगर आपको CD यूज करनी है तो उसको अलग से आपको ऑप्टिकल डिस्क में खरीदनी पड़ेगी जो कि आपको लगभग 2000 के करीब में पड़ जाएगी। दोस्तों ये मैंने नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये i5 के प्रोसेसर के साथ है। दूसरा इसकी जो कॉस्ट है 3990 है, जो इसके बाद मैं जो बताऊंगा लैपटॉप Ryzen 5 का उसमें भी सेम ही स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो कॉस्ट की बात करें तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा है। बाकी आप कोर i5 और Ryzen 5 आराम से गेमिंग, मल्टीमीडिया गेमिंग और एडिटिंग में आराम से यूज कर सकते हैं जो कि आपको अच्छी स्पीड देंगे। बाकी दोस्तों अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों ये आपको 34,240 में पड़ जाएगा। वैसे इसकी जो कॉस्ट है हमने दिखाई हुई है 36,990, लेकिन आपको जो डिस्काउंट मिलेगा इसमें आपको 2750 के करीब का आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो ये दोस्तों डिस्काउंट अभी जितनी आप लेट करेंगे डिस्काउंट मैं देख रहा हूँ जो फ्लिपकार्ट है इस पर डिस्काउंट कम होता जा रहा है। पहले 4,000 डिस्काउंट था, अब 3,000 था, अब 2750 ही रह गया क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें 3,000 और 4,000 के करीब डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन अब 2750 ही इसमें डिस्काउंट रह गया। तो दोस्तों जितनी जल्दी आप खरीदेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं नंबर टू के लैपटॉप पर जा रहे हैं। देखते हैं नंबर 2 पर कौन सा लैपटॉप हमने रखा हुआ है। और दोस्तों नंबर 2 पोजीशन में जो लैपटॉप है वो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है ASUS VIVOBOOK 14 2022 Ryzen 5, जो कि Ryzen 5 के साथ है, जो कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी है, इसकी बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। और आपको ये वाला लैपटॉप ख़रीदना है तो आपको इसका बैटरी बैकअप साउंड टेस्ट में भी वीडियो जाके देख सकते हैं आप आराम से सब। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग क्योंकि मैं इसको खरीद चुका हूँ, मैं लगभग इसको 12 दिन पहले खरीद चुका हूँ, तो आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये ASUS VIVOBOOK 14 2022 Ryzen 5 क्वाड कोर, क्वैड का बोल अगर क्वैड का मीनिंग होता है फोर कोर इसके साथ है, 4+4 कोर के साथ है। AMD 3500U के साथ है ये। इसमें भी आपको 8 GB 512 GB SSD विंडो 11 का सपोर्ट मिलेगा जो प्री इंस्टॉल इसके अंदर है। 1.60 kg का वेट है, फुल HD इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। बाकी वही 83-84 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वही सब कुछ मिलेगा। बस इसमें और इससे पहले लैपटॉप वाले में फ़र्क क्या है, वो इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर के साथ है, ये आपका Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ है। ग्राफिक्स की बात करें इसमें वेजा 8 है, इसमें UHD की है। दोनों ही लैपटॉप लगभग सेम है, मल्टीमीडिया गेमिंग एडिटिंग दोनों ही लैपटॉप आपका जो इससे पहले मैंने 4 नंबर का लैपटॉप और जो 3 नंबर लैपटॉप लगभग सेम है। बस कॉस्ट की बात करें तो वो थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा उससे हल्का है। बाकी Ryzen 5 और कोर i5 लगभग सेम ही है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना तो आप कहीं ना कहीं वीडियो YouTube पे वीडियो जाकर सर्च कर सकते हैं कि Ryzen 5 और Core i5 में कितना डिफरेंस है। मैंने जो सर्च किया था मुझे लगभग सेम सा डिफरेंस में लगा। तो ये दोस्तों नंबर 2 पोजीशन पे लैपटॉप है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपसे निवेदन है कि चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इससे आपके नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपकी हमारी वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन में, जिसमें हम नंबर 1 पे लैपटॉप जो आप देख रहे हो, नंबर 1 पे कौन सा लैपटॉप होगा आपके माइंड में आ रहा होगा, नंबर 1 पे कौन सा लैपटॉप आने वाला है। और दोस्तों नंबर 1 पोजीशन जो लैपटॉप है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है ASUS VIVOBOOK 14 2022 Ryzen 7। ये आपको Ryzen 7 क्वाड कोर के साथ है। सबसे बड़ी बात है 16 GB आपको 512 GB SSD मिलती है, यानी Ryzen 7 भी आपको मिल जाएगा। Ryzen 7 आपका बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर जो कि Ryzen 5 और i5 से बहुत बड़ा है। आप हाई मल्टीटास्किंग, हाई गेमिंग, अच्छी तरह से गेमिंग खेल सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारा वर्क इसमें कर सकते हो। Ryzen 7 क्वाड कोर के साथ है आपका ये। और सबसे अच्छी बात है कि आप 16 GB, बाकी जो मैंने अभी तक दिखाया था तो रैम 8 GB मिलेंगे, लेकिन इसमें 16 GB और 512 GB SSD के साथ आपको ये मिल जाएगा। विंडो 11 का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा, वही पहले की तरह जो बाकी लैपटॉप मैंने आपको दिखाया है।
और 14 इंच का ये लैपटॉप है, 1.6 kg इसका वेट है, जो मैंने पहले भी आपको दिखा दिया। बाकी सब चीज़ इसमें सेम ही है। 84% स्क्रीन टू वाटर, फुल एच डी डिस्प्ले, एंटी कलर ग्लास के साथ मिलेगा। बस आपको AMD का राइजन 7 प्रोसेसर मिलेगा और वेजा 10 का ग्राफिक्स इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी सब इस चीज़ इसमें सेम है। अगर अब सबसे जो मेन बात है इसकी अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, दोस्तों ऐसे इसकी जो कॉस्ट है 40,490 दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये मिल जाएगा 3750 डिस्काउंट। यानी कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, तो उसमें 4000 का डिस्काउंट था, अभी इन्होंने डिस्काउंट घटा दिया। तो जितनी जल्दी दोस्तों आप जाएंगे तो जल्दी इसको क्लिक करके अपना बाय कर लें। ये राइजन 7 के साथ आप आराम से सर्च कर सकते हैं, आराम से आप सर्च कर सकते हैं। जितनी लेट आप जाओगे तो उसने पहले कल इस पे 4000 का डिस्काउंट था, आज 3750 का डिस्काउंट हो गया। दोस्तों नंबर वन पोजीशन पे यह भी इसमें राइजन 7 के साथ है, बहुत अच्छा मल्टीटास्किंग वीडियो एडिटिंग में आपको सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा ये लैपटॉप है। बाकी इस वीडियो में सारे इसके सेम है जो मैंने दिखाया। बाकी अगर आपको देखना है कैसा कलर है इसका, तो मैंने वीवो बुक 14 2022 की वीडियो बनाई राइजन 5 के साथ, वही सेम ये है, बस इसमें थोड़ा प्रोसेसर सेम चेंज हुआ है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, चैनल सब्सक्राइब करना।